Welcome back to our YouTube channel. I hope आप सब ठीक होंगे and you having an amazing and beautiful day like we have. Yes, हम लोग भी काफी अच्छे हैं. Hope so आप भी काफी अच्छे होंगे. आज की वीडियो काफी धमाकेदार होने वाली है क्योंकि आज की जो वीडियो है केस टू पे भाई. केस टू को कौन नहीं जानता यार. 26 लाख सब्सक्राइबर और केस टू भैया की बात अगर की जाए तो भगवान ने उनको सिर्फ 10 उंगलियां दी है. अगर उनको 11-12 उंगली दी तो वो बीजी माई 11 उंगली और 12 उंगली से भी खेल बैठते यार. जितनी उंगली है ना सबके यूज कर लेते वो. स्प्रिंट का बटन होता है वो भी एक उंगली अलग से लगते यार. सो केस्टो भैया एक अमेजिंग गेम प्ले खेलते हैं यार. सही में यार उनका जो है ना राइट नाउ सब बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे यार कि केस्टो भैया पे एक वीडियो बनाओ. सो फाइनली द डे हैज कम और मैंने जब केस्टो भैया की वीडियो भी देखने चालू की कि यार मैं वैसे उनको देखता हूँ समटाइम्स ऐसा होता है कि कहाँ से उनकी वीडियो ली जाए ये देख रहा था. सो राइट नाउ 3-4 दिन 5 दिन पहले यार उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड क्रिएट किया जो अपने आप में अमेजिंग है. 43 kills. माई गुडनेस. सो काफी वीडियो उनकी बेहतरीन है. सो उसमें आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं. 43 किल्स यार सही में एक अपने आप एक मायने रखता है BGMI में यार. अल्टीमेट यार सही में यार. सो वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है. बने रहिए इस वीडियो पर. सो पबजी मोबाइल पे गलत भरे सीन के लिए आप भी तैयार रहिए. नॉनस्टॉप यस. सो ये वीडियो हमने केस टू चैनल से ली हुई है. इसकी ओरिजिनल लिंक हम हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट अ ब्रिलियंट वीडियो. यस वीडियो ऑन स्क्रीन. 1 2 3 तो भाई कैसे हो. तो यार आखिरकार 3 साल लगातार घिसने के बाद आखिरकार 3 साल की कोशिश रंग लाई. आखिरकार तुम्हारे भाई ने 40 किल निकाली लिया रे. 40 किल. ओ माय गॉडनेस. 40 किल निकालते ही निकालने के बाद जो सीन होता है भैया दुख दुख दर्द पीड़ा सब कुछ मेरे को हो जाती है एक साथ. हाथ में डीपी भाई जितने तक वही खेलना चालू एकदम. ओहो अब ये यहाँ पे छुपा तो था लेकिन के साथ छुपा था. अभी गड़बड़ कर देता पेटी डाल देता मेरे यहाँ पे. पेटी डाल देता. और देखो आगे पे हमेशा की तरह तोड़ फाड़ लड़ाई चल रही है. भाई उतर से 3 बंदे एकदम खा गए यार. ओ पीछे फिशर लगे इन पर कर रहा है. भाई 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 सांप बने रहते एकदम पता भी नहीं चलता क्या होता है. मेरे को नहीं पता 3 बंदे यहाँ क्या कर रहे हैं. अरे 98 पहाड़ के नीचे बैठ के बैठे पड़े तीनों निहत्ते. और पीछे से एक और भक्ते आया था इसको भक्ते भक्ते नीचे पहुंचा दिया. खैर और एक बच के अंदर घुस चुका है. आज ही निकलेगी पूरे गांव पे लड्डू बांटूंगा. अरे मेरे कद्दू का लड्डू लड्डू मेरे लग गए. खैर जो भी हो यहाँ भाई और आखिरकार बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद एक बंदा पकड़ा गया सिर्फ एक. और मेरे को 6 सब मिल रहा है. खैर जो भी हो एक बंदा पकड़ लिया गया लेकिन अभी और भी बंदे हैं. अगर 40 किल करने आ रहे बेटा जान लगा के भागनी पड़ेगी. जितनी भी जान है भागने में लगा दो. तो हाँ मैं भगते भगते पहुंचता हूँ. हम पहाड़ के ऊपर से जाते हैं. और अपने टीममेट की भी पेटी बनने वाली है तो जल्दी करना होगा सब कुछ. अरे टीममेट नीचे चला गया. अब यहाँ पे हमारे भाई को मैं रिवाइव करने के लिए पीछे आता हूँ लेकिन भैया जी नीचे कूद गए. मैंने बोला कोई दिक्कत ना रहे नीचे कूद के भी जिंदा रहेंगे. मैं यहाँ पे जाता हूँ यहाँ पे जाके बदलता है ये भी नीचे कूद गया. एक किल और हो जाते लेकिन यहाँ पे ऐसे कम हो गई किल. खैर अब देखो वहाँ पे गाड़ी आ चुकी है. ये देखो कैसे कोई भी आ जाएगा. मैं करता हूँ पीछा इनका और रोकता हूँ गाड़ी यहाँ. ओ भाई हेड भाई 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 भाई
अब मेरे को लग रहा था मैंने सब निपटा दिए, कोई भी नहीं बचा है वहां पे अभी। ओ सामने तो सांप बना हुआ है यहाँ पर रेत का सांप। क्या बात है यार। What? और ये था बीच का सांप। हाँ ये सिर्फ रेत पे पाया जाता है, ये बहुत बहुत कम देखने को मिलते हैं। रेत पे पाया जाता है और ये काफी शर्मीले होते हैं, तो कभी कभी पानी पे भी पहुंच जाते हैं। ये सांप की नस्ल बहुत कम देखने को मिलती है। खैर देखो यहाँ पे कुछ और बंदे थे, फटाफट करते हैं इनको मैं बेलता हूँ, निपटाता हूँ यहाँ से। 24 किल पे 53 बंदे अलाइव, बुरा नहीं है। सच सच बोलू बुरा नहीं है, मेरे को लगा था इससे बढ़िया होगा, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब बाकी अब हमारे भाई सामने स्नाइपर टावर पे अपनी गाड़ी के अंदर एंटर दबा के बैठे हैं, वो गेट इन दबा के बैठे हैं। और जो बाकी तीन बंदे वहां पे जो रस कर रहे हैं, उनको पता ना है कि हमारे भाई गाड़ी पे बैठे हैं। तो हाँ मेरे को लग रहा था हमारे भाई थोड़े टाइम बाद पिट जाएंगे, लेकिन नहीं, मैं यहाँ से गोली चलाता हूँ और इनका सारा ध्यान मेरे पे हो जाता है। अच्छा Nice. अब ये किया मैंने एक नॉक, और अपने टीममेट को अगर बचाना है तो फटाफट जाना होगा, नहीं तो ये लोग देख लेंगे गाड़ी में। एक नीचे ओ और मेरे को यहाँ पे विश्वास नहीं हो रहा होता। हमें भी नहीं हो रहा। खैर तो यहाँ से 27 किल 28 किल यार, इतनी जल्दी सही में यार। मैं लगता हूँ 28 किल पे 36 लाइव, यहाँ पे मैं चिल्ला के बोलता हूँ बेटा 40 किल इसी मैच में चाहिए। भाई 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 गेस्ट जो भैया तो गुस्से में आ गए और इस मैच टेबल वगैरह तोड़ देंगे जिस पर खेलने लग रहा है। मुझे इस मोड में जहां तक टाइम आखिर में बढ़िया बंदे बचे होते हैं, लेकिन इस बार अरे भाई 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 आराम से खेल भैया, टेबल टूट जाएगा आपका। मजाक सेट के देखो यहां पे 35 बंदे अलावे अभी, और मैं 28 किल निकाल चुका हूँ। भले मेरे 20 किल होते हैं यहाँ पे, फिर भी 35 बहुत ज्यादा होता है। तो हाँ हम अभी यहाँ पे रस कर रहे होते हैं, अभी देखना यह है कहाँ से ये जाएंगे। मैं पहले अंदर घुस जाता हूँ क्योंकि देखो कोई भरोसा ना है बाहर रहने का, इतने बंदे अलावे कोई पीछे से आके धप्पा कर देगा। और आप यहाँ पे लैग देखना, ओ भाई और हमारे भाई पिट गए। उसको पोजीशन पता नहीं थी। नाइस। अबे कितना लैग बड़ा। ओहो मार दिया उसके बाद हम चला वहां पे। अभी ज्यादा लगता है सही में। फाइट में क्या हुआ मेरे को पता भी नहीं चल रहा यहां पे ठीक से। ये हेडशॉट देखो। और हां मेरे को पता है बॉट था। अरे देखो बॉट हो बंदा, किल पे जुड़ना चाहिए, किल बढ़नी चाहिए जिंदगी में। बॉट हो चाहे बंदा कत्तू फर्क नहीं पड़ता। भाई 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 आराम से भाई। ये चीज की गाड़ी लगता है केवल तोड़ के मारेंगे। ये चीज बना है तो कोई बैठा हुआ अंदर पता नहीं चलेगा फटाफट। गाड़ी के कलर कितनी अच्छी लग रही है। खैर अभी देखो ये जो सामने पहाड़ है वहां पे बंदे थे, कोई स्नाइपर चलाता रहता शायद, तो हाँ वही देखने जाता हूँ मैं। और कसम से देखो मेरे टीममेट लोगों की ड्राइविंग देखना, मैं तो पागल ही हो गया था। मन कर रहा था छलांग लगाऊं और पैदल चलूं। ये भाई क्या कर रहा है, क्या ड्राइविंग है ये? कुछ भी माय गॉडनेस भाई। और ये की बढ़िया से क्रिस्टो भाई ऐसे तो ड्राइविंग कर रहा है अल्टीमेट लेवल की यार। और देखो इस ड्राइविंग के चलते अभी मैं यहीं पे पकड़ा जा सकता था, पूरी गाड़ी फोड़ सकते थे वो। अच्छा हुआ सारे बंदे गुल नहीं चला रहे थे। खैर मेरी बारी अब। क्या बात है यार। नाइस फिनिश भी अच्छा किया। पकड़ा जाएगा, मुंडी दिखाएगा, टकला दिखाया गया। नाइस नाइस। और इसी के साथ दो और बंदे निपटा दिए। रस करना बनता है यार, कैसे बात है मतलब दोनों को नॉक ऑलरेडी। अब 40 किल चाहिए। हां रस कर दो नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो गाड़ी लेके हम फटाफट से निकलते हैं और देखते हैं कितने और बंदे बाकी हैं यहां पर। सामने सामने सामने। और यहाँ पे देखो मैं आलस नहीं करता, मैंने बोला यो मैच में आलस नहीं होगी, कई बार आलस के चलते मैं टिला हूं। तो हाँ मैं पहले एग्जिट दबाता हूँ, गाड़ी से बैठे बैठे शायद कोई भागते हुए दिखता है, लेकिन और हमारे भाई शील लग कह रहे होते। अरे बेटा मुंह से बोलने से नहीं लगती, बटन दबाना पड़ता है यहाँ पे, बटन।
और देखो ये हम चाहते नहीं थे लेकिन ये हो चुका है, हम बहुत ज्यादा बुरी तरह से फंस चुके हैं यहाँ पे। और कसम से बताओ, झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे को लगा था मामला खत्म हो जाएगा, हम देना चाहिए था मुझे। खैर अब देखो हम लोग थोड़ी देर और यहाँ पे रुकते हैं। जैसा कि मैंने बोला, हम गिरे हैं हर तरफ से। आगे जहाँ पे मैंने ये आग फेंकी वहां पे बंदा है, राइट पे बंदे, थोड़ा लेफ्ट पे बंदे, दूर से भी वो गोली चला रहा है, बहुत दिक्कत है। मेरे को लगा नहीं था ये सब होगा, लेकिन गाड़ी गलत जगह पे रोक दी हमने और अभी हम फंस चुके हैं यहाँ पर बस। अच्छा हील लगा क्या, आ गया भाई, कूद के आ गया बंदा। ओ ओ, और यहाँ पे जिस चीज का डर था वही हो जाता है, एक बंदा कूद के इस तरफ आ जाता है, लेकिन फिलहाल बच गए। नीचे से डैमेज पड़ा पैर पे लग के उनको, ओ नॉक ही कर दिया भाई। हां वही मैं देख रहा हूं, पांव पे मारने वाली चीज सक्सेस हो गई, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गई। ये पिछली बार मिस हो गया था, क्लैपिंग कर रहा इस बार मिस नहीं होगा। खैर आगे भी बंदे थे, मैं बॉडी शॉट देता हूँ फिर से और वो बच के भाग लेता है। आगे उस कमरे पे, उस घर पे लड़ाई चल रही है, लेकिन हमें पहले यहाँ की लड़ाई निपटानी होगी, तभी कुछ हो पाएगा। अरे बस, और आखिरकार आखिरकार ये कार 98 वाला पहाड़ में आता है। अब देखो उस घर पे रस करना बेवकूफी होगी, वो इतना बड़ा घर है, कैंपिंग घर है, पूछो ना जो ही कैंपिंग लगती है। तो मैंने बोला वो घर गया कद्दू लेने, मैं जाऊंगा जून के अंदर, जून के बीचों बीच जो कि है ये वाला घर, यहाँ से जाके देखेंगे मामला क्या चल रहा है। 3 किलो और निकालने, देखते कब तक निकलेंगे। 37 किल्स, हाँ वही मैं देख रही हूँ। नाइस। और इसी के साथ 1 किल और निकल गई, 40 किल के बहुत करीब आते हुए 2-3 साल का सपना आखिरकार मेरे को पूरा होता हुआ दिख रहा होता है। आखिरकार मैं था बहुत खुश। बैटरी 10%। और इसी के साथ बहुत ही ज्यादा करीब आते हुए 40 किल का सपना, ये मैं बहुत खुश था, मजे करेंगे, भंडारा रहूंगा अपने गांव में। अरे मेरे कद्दू का भंडारा, आगे देखो अभी कद्दू का आगे में लिपटा हूँ, देखिए कब तक आते हैं, पकड़ाएगा। हाँ एक आए, थैंक्स। अब बंदा मैंने नॉक जोन के बारे में पकड़ा, यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगी, क्या मेरा जोन डैमेज देखो यहाँ पे पूरा किल हो गया। 40 कंप्लीशन, 40 किल्स हो गए। चल चल वो गाड़ी निकाल दी। ओहो सॉरी, गाड़ी निकाल, एक और गाड़ी निकाल दी, गाड़ी निकाल दी, मार दिया। और हमारे भाई बोल रहे होते हैं गाड़ी निकाल दिया, अरे बेटा गाड़ी क्या निकाली, मैंने उसे लॉबी निकाल दिया, कहाँ गाड़ी देख रहे हो तुम अभी, बहुत लेट कॉल था हमारे भाई का। खैर जो करते हैं, गाड़ी रख दिए, ये चीज वाली गाड़ी काफी कम आई थी आजकल, 40 किलो हो चुके हैं, 42 किलो हो चुके हैं, 40-40 कर रहा था, 42 कर दिया। और मेरे ख्याल से मैं भारत का पहला बंदा हूँगा जिसने इतने हाई किल निकाले, क्या किसी और ने, मेरे को नहीं पता, अगर होंगे तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारा भाई सबसे ज्यादा किल वाला है आज। सबसे ज्यादा किल वाला है आज। ओ मेरे को भी दिखे, मैं करता हूँ इंतजार, यहाँ पे इंतजार, वो देखते लगा देता है। अब मैं लेता हूँ इस बंदे को हल्के में, मैं इतना ज्यादा हल्के में लेता हूँ कि पूछो ना, और इतना हल्के में लेना बहुत बड़ी, बहुत बहुत बड़ी बेकूफी होती है मेरी, बहुत बड़ी। अच्छा नॉक हो गए यार, बहुत गलती जगह पर नॉक हुए भाई। और देखो मैं अकेला नहीं होता जो इस बंदे को हल्के में लेता है, हमारे भाई भी हल्के में लेते हैं। बस वही है, मेरे को नहीं लगता यहाँ पे आके रिवाइव करना सही होगा, अपना तीसरा टीममेट भी ठिल जाएगा, चिकन छूट जाएगा। मैं बोलता हूँ ये देखो कुछ भी हो जाए चिकन कर देना बस, मैं दाल रोटी खा के तैयार हूँ, मेरे को ठिलने दो लेकिन चिकन कर देना बस। मैं जाने की सोचा था एक और किल निकाल, 5% पे आ गया, जो भैया खत्म करना होगा मैच नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब देखते हैं क्या चिकन हो पाएगा, नहीं पॉसिबल सामने से। चिकन आइए पता करते हैं मिलके, ओ भाई कितना
और ये लिखाता है अब मेरे को लगा देखो मैं था तेजी ठीक है ऐसी कुछ होगा और उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ वापस गेम स्टार्ट करता हूँ और Oh my God! My goodness! बीजी हम आई के सस्ते नसे यार आईडी बैन कर देते हैं हाई किल करने के बाद उनको ये लग रहा है कि कोई हैकर है हैकर है that's why My goodness यार वीडियो वाज सो अमेजिंग सही में केस्टू भैया आप अलग लेवल के बंदे हो यार आपके जो बात है ना आपका कहने का जो कमेंट का लहजा यार क्या एक्सट्रीम लेवल का यार मजा आ गया यार सही बात है और केस्टू भैया काफी नंबर ऑफ टाइम्स कह रहे थे वीडियो बना दो फाइनली जो कहते हैं वीडियो एक काफी स्पेशल वीडियो जिससे हम लेके आए हैं और वीडियो में सही में क्या एंटरटेनिंग वीडियो थी उनकी जो कमेंट का लहजा भी बहुत अच्छा था और यार 43 किल्स अमेजिंग यार अमेजिंग सो गाइज हम ऐसे ही वीडियो लेते आएंगे आप हमें हमारे चैनल को ऐसे लाइक करते सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को ऐसे प्यार देते रहिए गाइज आई वांट टू टॉक टू अ वेरी सीरियस कॉन्वर्सेशन एंड दैट इज हमारे 10K सब्सक्राइबर होने में ओनली 700 आर लेफ्ट सो प्लीज डू फास्ट कमेंट लाइक शेयर बाय बाय टेक केयर सी यू सून